हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने नेशनल नंबर का प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए थे जो कि एनसीईआरटी से ही था, ठीक है, फिर भी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकेंडरी बोर्ड की तरफ, ठीक है, मूव करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई डेट -x (-x) = x। हम लोग बता चुके हैं कि माइनस और माइनस ए हमेशा क्या होता है? प्लस ए हो जाता है, ठीक। अब वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो देखो ये माइनस क्या है, माइनस ये माइनस एक्स का इन्वर्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर देखो, अगर फर्स्ट हम लोग फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 क्या है? 1 क्या है देखो, x = 11/15 है, ठीक। तो -x = कितना हो जाएगा? -11/15, ठीक। अब क्या करना है? फिर माइनस एक्स करना है, मतलब इसका फिर एडिटिव इन्वर्स लेना है। माइनस एक्स कहने का मतलब क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स। कौन सा इन्वर्स? एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? ये इसका माइनस एक्स का एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? -(-x) और इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? 11/15, ठीक है। तो क्या आ गया? 11/15, यानी क्या प्रूफ हो गया? x - x (-x) = x। ये जो x था, फिर ये किसके बराबर आ गया? x के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन नंबर 1-3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए? 1 आ जाए, ठीक है। तो कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -1/13, सिंपल। इसका कितना हो जाएगा? 19/-13। इसका क्या? -13। इसका क्या हो जाएगा? 5, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? -8/5 * इसका क्या हो जाएगा? -7/3। तो ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ठीक। ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक। ऑल्दो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम इस दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या कर रहा है? 5 में क्या बोला है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन द फॉलोइंग। इसमें क्या हो रहा है देखो, -4/5 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर =1 (-4/5) और −4/5। इसका मतलब 1 यहाँ पर क्या है? एज ए आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट में क्या हो गया? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन सा है? यह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब सेकेंड में देखो, बी बी क्या है? -13/17 (-2/7) = -2/7 (-13/7). तो हम बता चुके हैं a (b) = b (a) हो जाए। इसका मतलब यह कौन सा प्रॉपर्टी को दर्शाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय रिसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रिसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। मतलब कि 6/13 के -17/16 के रिसिप्रोकल को 6/13 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो देख, चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। पहले इसका रिसिप्रोकल निकालो। रिसिप्रोकल इसका कितना हो जाएगा? 16 - 16/7, ठीक। रिसिप्रोकल मतलब 1/something, ठीक। और इसको 16/13 से मल्टीप्लाई, 6/13 से मल्टीप्लाई करना है, 6/13 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 144 -144 / 13 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा?
91, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 96, ठीक है, 96, ठीक, 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या जाएगा 96, तो 96/91 दिस इज द आंसर, ठीक है। अब 7 देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इनटू 6 इनटू 3/4/3 एज 1/6 इनटू 6 इनटू 4/3। तो देखो ये क्या है, ये कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी है, a इनटू b इनटू c इक्वल टू a इनटू b इनटू c, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो 7 क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8-9 में देखो, 3 इंटीजर 1/3, ये इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटीजर 1/3 यानी सब लोग हम लोग पूर्णांक तोड़ना जानते हैं, 3 3 9 1 10/3, ठीक, ये 10/3 है, और 0.3 का मतलब क्या हुआ, 0.3 इक्वल टू 3/10, अब देखो क्या पूछ रहा है, 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, 3/10 ही तो होगा, यह 3/10 दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा, यस, इसका आंसर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, यस, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। रीजन क्या होगा कि हम लोग इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ठीक, राइट, लिखना है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, क्या है, रेसिप्रोकल नहीं है। अब देखो रेशनल नंबर पहले क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म है, ठीक, जहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो देखो हम पहले फर्स्ट लेक्चर में बता देते हैं, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1/0, जो कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/0 हम लोग नहीं डिफाइन करते, इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड, रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, एक ऐसा रेशनल नंबर ढूंढना है जिसका रेसिप्रोकल भी क्या हो, इक्वल हो। अब देखो रेसिप्रोकल इक्वल हो, यानी उसका 1/ रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे अगर x का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है, 1/x आता है, ठीक। तो एक ऐसा ये रेशनल नंबर ढूंढो कि यह दोनों बराबर हो जाए, तो देखो ये रेशनल नंबर क्या होगा, 1 होगा। देखो बच्चों अगर 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/1 आता है, तो ये भी क्या है, 1 के बराबर है, देखो दोनों क्या हो गया, बराबर ही हो गया, ठीक। तो 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक। थर्ड देखते हैं, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रेशनल नंबर जो कि उसके नेगेटिव के इक्वल हो, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक नंबर है, ठीक, उसको माइनस करते हैं तो भी यह ए ही आता है, ठीक। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी क्या होता है, सेम ही आता है, नंबर का सेम ही आता है, ठीक। तो देखो बच्चों वो है 0, 0 को अगर हम लोग 0 लिखते हैं, -0 लिखते हैं, तो -0 भी किसके बराबर है, 0 के ही बराबर है, ठीक है। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक, ठीक। तो क्या हो गया, इसके आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर 0, सेकंड का आंसर 1, थर्ड का आंसर 0, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज, 0 के पास क्या रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखा है, तो 0 का रेसिप्रोकल करके देखो क्या आ जाएगा, 1/0, जो कि रेसिप्रोकल नहीं है, तो नो रेसिप्रोकल, क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या भर देंगे, नो रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या भरेंगे हम लोग यहाँ पे, नो रेसिप्रोकल। सेकंड, द नंबर एंड देयर वन देयर ओन रेसिप्रोकल, नंबर 1 एंड 1 आर देयर, एक 1 ही एक ऐसा नंबर है, ठीक, जो कि उसका अपना ही रेसिप्रोकल है, खुद ही रेसिप्रोकल है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन ये बी नंबर ले, ठीक है। थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक है, जबकि क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
तो इसको कल कितना आ जाएगा -1/5, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज है, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा रेशनल होता है, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रेसिप्रोकल किसी भी पॉजिटिव नंबर, जैसे दो का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, 1/2, ठीक। तो हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव ही नंबर होगा, ठीक। 1/2 कैसा नंबर है, 1/2 ही पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक। सो इस तरह बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए, ठीक है। अब चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें एक बात आता है, नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है, व्हाट इज नंबर लाइन, ठीक। तो नंबर लाइन बच्चों एक ऐसा लाइन होता है जिसपे हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है, जिसपे हम लोग नंबर को 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना, तो देखो नेचुरल नंबर को पहला किसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर को, ठीक। नेचुरल नंबर, अब देखो बच्चों नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। यानी कि 1 से ही शुरू होता है, तो यानी सबसे इधर क्या होगा, 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, और इस तरह चला जाएगा, इधर कोई नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई नहीं होगा, यानी केवल राइट साइड ही ये नंबर लाइन बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर लाइन को बोलेंगे नेचुरल नंबर लाइन, ठीक है, ठीक। अब दूसरा आया होल नंबर, दूसरा हम लोग होल नंबर, अब होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे ही यह बढ़ते चला जाएगा पूरा इनफाइनाइट तक, मतलब 0 के राइट में होगा केवल, लेफ्ट में कोई नहीं होगा, ठीक। ये हो गया होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, तो इसको होल नंबर लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब आता है ना थर्ड, आता है इंटीजर, थर्ड क्या आता है, इंटीजर। अब देखो इंटीजर जो होता है निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, ठीक। तो इंटीजर की बात कर किया जाए तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऐसे इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इंटीजर नेशनल नंबर, मतलब इसमें क्या है, लेफ्ट साइड भी बढ़ेगा और राइट साइड भी बढ़ेगा, ठीक। अब देखो बच्चों एक बात आती है कि जो हम लोग इस नंबर लाइन पे क्या कहीं हम लोग को 2/5 दिख रहा है, दर्शा सकते हैं क्या, -3/2 कहीं दिख रहा है, ऐसा तो हम लोग कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह के नंबर को दर्शाने के लिए हम लोग जो नंबर लाइन का यूज करते हैं उसको रेशनल नंबर नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग को एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल 2/3, ठीक। 2/3 दिस इज अ रेशनल नंबर, यस दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हाउ इट इज रिप्रेजेंट ऑन रेशनल नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है, इसको नंबर लाइन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो हम लोग देखो यह पहले देख लो कि क्या 2/3 न्यूमिनेटर, देखो ये न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर। तो इफ दो बातें बताते हैं, इफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक, क्या लिखे, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, सॉरी अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, क्या लिखे, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक, शॉर्ट में लिखे डिनो डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रैक्शन हो गई है, जो नंबर होगा, नंबर होगा रेशनल नंबर जो होगा या फ्रैक्शन जो होगा, यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करो, इज लेस देन वन, क्या होगा, लेस देन वन होगा, ठीक है। दूसरी बात, पहला दूसरी बात, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बढ़ जाए, क्या बोले, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तो इस केस में जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होगा ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ठीक। अब हम रही बात 2/3 की, तो 2/3 देखो न्यूमरेटर क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर क्या है,
थ्री है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसके इसमें फ्रैक्शन क्या हो गया, लेस देन वन हो गया। इसका मतलब यह नंबर जीरो से वन के बीच लाई करेगा। कहाँ से कहाँ तक बीच लाई करेगा, जीरो से वन के बीच। कहाँ से, पहली बार जीरो टू वन के बीच कहीं लाई करेगा। हम लोग फर्स्ट स्टेप ये जान लें, क्योंकि वन से तो छोटा है, तब एक नंबर लाइन बनाएंगे जीरो, ठीक, और यहाँ कहीं वन लेंगे, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है, एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है, दिस इज अ नंबर लाइन, ठीक, जिसपे हम लोग किसी नंबर को दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अब कैसे टू बाई थ्री को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर कितना है, थ्री, यानी टू बाई थ्री का मतलब हुआ सेकेंड पार्ट ऑफ थ्री, मतलब किसी चीज को तीन भाग में बांट दिए, सपोज कर लो, ठीक, ये एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा है, ठीक, टोटल तीन है, ये टोटल है, ठीक, ये एक है और इसका दो भाग कलर्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज टू बाई थ्री, यानी टू टू बाई थ्री, ठीक है, ठीक है, इन तीनों का दूसरा हिस्सा, ठीक है, तो टू बाई थ्री का ये मतलब होता है, ठीक। यानी कि हम लोग जितना डिनोमिनेटर होगा उतना भाग में वन के बीच हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कितना है, यहाँ से जीरो से नहीं गिनेंगे, एक दो तीन, मतलब एक तक आने में कितना भाग में डिवाइड किए, तीन भाग में, एक दो तीन। अब देखो यह तो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना है, तीन था, तो जीरो के बाद तीन लाइन दिए और तीसरा पर एकदम इक्वल डिस्टेंस पर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस शुड बी इक्वल, ठीक, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वली डिवाइडेड, ठीक है, क्योंकि हिस्सा लिख रहे, फ्रैक्शन क्या बताता है, हिस्सा बताता है, ठीक है, किसी चीज का। अब देखो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा वन बाई थ्री, यह हो जाएगा टू बाई थ्री, और यह देखो यह थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री का मतलब वन, देखो वन लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना था, टू बाई थ्री, ठीक है, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे टू बाई थ्री को, ठीक, तो इस तरह हम लोग टू बाई थ्री को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब चलो कुछ इस पर बेस्ट नंबर कर ले देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, नंबर लाइन पहला थ्री बाई फाइव, दूसरा सिक्स बाई सेवन, तीसरा एट बाई नाइन, चौथा फाइव बाई सिक्स, पाँचवा थ्री बाई फोर, ठीक है, पांच क्वेश्चन ये ट्राई करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको नंबर लाइन से दर्शाना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस की तरफ, कि अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, फर्स्ट केस तो डिस्कस कर लिए, सेकेंड क्या है, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन एक से ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में हम लोग क्या कैसे डिस्कस करेंगे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एक एग्जाम्पल से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन उतार लो आप लोग, ठीक है, चलो ये फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड देखो, सेकेंड सपोज कर लो कि हमको नंबर लाइन पर दर्शाना है पाँच बटा दो को, ठीक है। अब देखो यहाँ पाँच है न्यूमिनेटर, पाँच है डिनोमिनेटर, दो है, तो पाँच बटा दो क्या हो जाएगा, ये तो फ्रैक्शन एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, ठीक है, इसमें तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा, कि जीरो के बीच लाई करेगा, कहाँ के बीच लाई करेगा, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ, तो चलो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, टू टू जा फोर, ठीक, देखो सिखाते हैं, ये वन आ गया, ठीक, ठीक है, तो ये टू हुआ, जो भागफल जिसको बोलते हैं, जो दो यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक, और इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यानी क्या बोल सकते हो, टू इंटीजर वन बाई टू, क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, टू इंटीजर वन बाई टू, ठीक है। अब देखो, अब ये तो पता चल गया कि इंटीजर में है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, तो अब इसको जब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं टू प्लस वन बाई टू, तो देखो यह एक टू एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करना जानते हैं, और ये देखो वन बाई टू पहले वाला केस आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, न्यूमिनेटर क्या होगा, छोटा हो गया, ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब टू इंटीजर वन बाई टू है, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो नंबर फाइव बाई टू जो नंबर है दो से ज्यादा है, लेकिन एक बट्टा दो है यानी तीन से कम है, यानी किसके किसके बीच लाई करेगा,
टू टू थ्री के बीच लाई करेगा। यह जो नंबर कहाँ कहाँ लाई, कहाँ नंबर लाइन पे होगा, दो और तीन के बीच में होगा, ठीक है, कहाँ होगा, दो और तीन के बीच में, ये पता चल गया, ठीक है। अब देखो, जीरो वन टू थ्री, मतलब इससे आगे होगा, इधर तो होगा नहीं। अब देखो टू को हम लोग दर्शा दिए टू, अब वन बाई टू को कैसे दर्शाएं, टू से आगे दर्शाना है, मतलब टू और थ्री के बीच में कितना डिवीजन है, वन बाई टू, टू डिवीजन, यानी वन डिवीजन और टू डिवीजन, यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग वहाँ से नहीं गिरेंगे, यहाँ से गिरेंगे, वन डिवीजन टू डिवीजन, तो ये क्या हो गया, टू इंटीजर वन बाई टू और टू इंटीजर टू बाई टू। तो देखो ये टू इंटीजर टू बाई टू क्या होता है, दो दो चार दो छः बटा दो तीन होता है, ठीक है, तीन आ गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या दर्शाना था, टू इंटीजर वन बाई टू, तो यह नंबर क्या आ गया, पाँच बट्टा दो, तो यहाँ नंबर हो गया, ठीक है, ठीक, क्या होगा, टू इंटीजर वन बाई टू, तो ये क्या क्या आ गया, फाइव बाई टू, तो यहाँ नंबर हम लोग दर्शा दिए, ठीक है। इस तरह हम लोग नंबर सिस्टम को एक से ज़्यादा वाले को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक। अब चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ठीक है, तब हम लोग निगेटिव नंबर की तरफ बातें करते हैं। क्वेश्चन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और नंबर लाइन सिस्टम, क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, रेशनल नंबर जो भी गिवन है उसको नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और उसको देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक। जैसे माइनस नहीं भी लेना, सिक्स बाई फोर, ठीक है, दूसरा थ्री एट बाई टू, तीसरा सेवन बाई थ्री, चौथा नाइन बाई टू, ठीक, इन चारों को आप लोग नंबर लाइन पर दर्शाइए, ठीक है। ये सारा देखो, सारा जो भी फ्रैक्शन है इट इज ग्रेटर देन वन, सारा क्या है, वन से बड़ा है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ठीक, अब हम लोग निगेटिव नंबर सिस्टम, मतलब सॉरी निगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग कैसे हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको सीखते हैं, ठीक है, कौन से नंबर को, निगेटिव नंबर लाइन को, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें भी हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक बार न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेते हैं माइनस फाइव बाई टू, माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। हाउ इट इज रिप्रेजेंट और रेशनल नंबर और नंबर लाइन सिस्टम, कैसे इस निगेटिव नंबर को हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग दो केस देंगे, थोड़ी देर के लिए निगेटिव को निगलेक्ट करो, क्या करो, निगेटिव को भूल जाना है, ठीक। अब निगेटिव को भूल गए तो क्या आया, टू बाई थ्री आया। अब टू बाई थ्री क्या है, टू बाई थ्री तो हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर वाला केस है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन जो होगा लेस देन वन होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन वन होगा, ठीक। अब फ्रैक्शन लेस देन वन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, टू इंटीजर, देखो सॉरी पहले टू बाई थ्री, ठीक, इसका मतलब ये जो भी नंबर होगा माइनस वन से जीरो के बीच होगा, किसके बीच के बीच होगा, माइनस वन टू जीरो। अब देखो जीरो माइनस फिर इसके निगेटिव हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड, ये पता होना चाहिए, तो ये माइनस वन यहाँ दे दिए। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है, तीन, तो इसको तीन भाग में बांटेंगे, वन टू थ्री, यहाँ से वन टू थ्री, ये जो हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, माइनस थ्री बाई थ्री, देखो ये थ्री थ्री वन आ गया, ठीक। तो हमको क्या दर्शना था, माइनस टू बाई थ्री, यहाँ पे माइनस टू बाई थ्री, जितना डिनोमिनेटर होगा उतना डिवीजन हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक, अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन माइनस फाइव बाई सिक्स पहला, दूसरा माइनस फोर बाई थ्री, तीसरा सॉरी ये हो जाएगा, हम लोग को डिनोमिनेटर ज़्यादा लेना है, फोर बाई फाइव, तीसरा माइनस सेवन बाई नाइन, ठीक। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो बच्चों आज हम लोग नंबर लाइन सिस्टम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किए, और क्या सीखे, नंबर लाइन सिस्टम पर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गाइज इसका सेकेंड केस पढ़ेंगे और सीखेंगे कि, और क्या आगे सीखेंगे कि दो नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड द
टू और थ्री रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब सीरीज सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप लोग लेक्चर को देखिए, इंजॉय कीजिए, पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।